दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने काम का बखान करने के लिए पिछले 3 महीने में करीब 14.5 करोड़ अखबारों में विज्ञापन देने में फूंक दिया है। ये खुलासा एक RTI से हुआ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये विज्ञापन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर के राज्यों के तमाम अखबारों में भी दिए गए थे। वाहवाही लूटने में 14.5 करोड़ सोहा। RTI से सामने आया आपके स्वयं गुणगान का सच। केजरीवाल ने जनता की कमाई विज्ञापन में उड़ाई। सुबह जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ में पूरे पूरे पन्ने के विज्ञापन आपने भी देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी सोचा होगा कि योजनाओं के नाम पर अपनी पीठ ठोकते इस गुणगान का खर्चा कहां से आता है और कितना आता है। लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है और विज्ञापनों के तौर पर दिल्ली सरकार की तारीफ में खर्च हुआ ये पैसा लाखों में नहीं करोड़ों में है। दरअसल ये खुलासा एक RTI के जरिए हुआ है। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी 2016 से 11 मई 2016 तक अखबारों में दिए गए विज्ञापनों में कुल 14.45 करोड़ खर्च किए। ये खर्चा सिर्फ उस विज्ञापन का है जो एडवर्टोरियल के रूप में अखबारों में दिया गया। इसमें अखबारों को दिया गया बाकी विज्ञापन का खर्चा शामिल नहीं है। ये RTI दिल्ली कांग्रेस की तरफ से डाली गई थी। RTI डालने वाले दिल्ली कांग्रेस लीगल सेल अमन पंवर के मुताबिक उन्होंने अखबारों के साथ साथ TV, रेडियो और होर्डिंग्स पर किए गए खर्चे का ब्यौरा भी मांगा था जो अभी तक नहीं मिला है। न्यूज़पेपर में जो इन्होंने ऐड दिया था उसकी जानकारी हमें मिली है कि इन्होंने पिछले 3 महीने में 14.5 करोड़ रुपए का अखबारों को ऐड दिया है। और तो इस बात से एकदम बात ये स्पष्ट होती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो प्रचार में तो बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है, पर जनता के लिए कितना काम कर रही है वो तो जनता ही बताएगी। देखिए, हमारा जो अनुमान है, हमें लगता है लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने पिछले 3 महीने में खर्च कर दिया है, क्योंकि TV पे, रेडियो पे और जो इन्होंने होर्डिंग लगाई है उस पे कितना खर्च हुआ अभी तक उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। RTI से मिली जानकारी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार ने अपना विज्ञापन सिर्फ दिल्ली के अखबारों में नहीं छपवाया बल्कि जम्मू, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक समेत दूसरे राज्यों के अखबारों में भी ये विज्ञापन दिए गए। विपक्षी पार्टियां अब ये सवाल उठा रही हैं कि दिल्ली की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स के पैसे से दूसरे राज्यों में विज्ञापन क्यों दिए गए, इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होगा, सरकार दिल्ली की जनता के पैसे से अपना गुणगान क्यों कर रही है। देखिए, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि 526 करोड़ 19 लाख रुपए का जो फंड है ये किसी भी स्टेट के लिए इतना बड़ा फंड, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने टोटल 28 करोड़ रुपया खर्च किया था, और जिस तरह से 14.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, मलयालम मनोरमा में है, उड़ीसा में है और पूरे देश भर में इन एड्स को दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से दिल्ली के विकास के पैसे का मिसयूज़ है। ये मिसयूज़ बंद होना चाहिए। 181 जैसे इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन आप बंद कर रहे हो और दूसरी तरफ से अपना सेल्फ पब्लिसिटी के लिए, अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए इतना, मतलब 14.5 करोड़ 3 महीने में, मतलब एक बहुत ही भारी ये रकम है। RTI डालने वाले अमन पंवर के मुताबिक अगर दिल्ली सरकार पिछले 3 महीनों में TV, रेडियो और होर्डिंग्स पर दिए गए विज्ञापन के खर्च का ब्यौरा दे दे तो कुल आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी तारीफ सरकार की और खर्चा आपका यानी आम आदमी का। इस RTI के सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के पैसे से दूसरे राज्यों में भी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।